राहुल गांधी को पूजा भट्ट का साथ, बार जोड़ो यात्रा में शामिल हुई अभिनेत्री। कांग्रेस ने लिखा, मोहब्बत चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिल्म मेकर पूजा भट्ट बुधवार को राहुल गांधी के साथ हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। दोनों एक साथ पैदल चले और कई मसलों पर चर्चा भी की। पूजा भट्ट और राहुल गांधी की फोटो कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई और लिखा, हर रोज नया इतिहास रचा जा रहा है, हर रोज देश में मोहब्बत चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। पूजा भट्ट की इस मुहिम से जुड़ने के बाद सोशल मीडिया पर उनके कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। पूजा भट्ट भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस है। भारत जोड़ो यात्रा में तमिल तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री पूनम कौर और राहुल गांधी की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। इसमें दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आ रहे थे। इस फोटो को पोस्ट करके कर्नाटक भाजपा नेत्री प्रीति गांधी ने लिखा, अपने परदादा के पदम चिन्हों पर चलते हुए। पूनम कौर ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। प्रीति गांधी की पोस्ट को रीट्वीट करके पूनम कौर ने लिखा, वास्तव में आप अपमान कर रही हैं, याद रखें प्रधानमंत्री नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं, मैं फिसल गई थी और गिरने वाली थी, तभी राहुल सर ने इस तरह मेरा हाथ पकड़ लिया। भारत जोड़ो यात्रा ने कुल 56 दिन पूरे कर लिए हैं। यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। तेलंगाना से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को कवर कर लिया है। सभी राज्यों को कवर करने के बाद आखिरकार यह यात्रा जम्मू कश्मीर में ख़त्म होगी। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के पाँचवें दिन राहुल गांधी अलग ही अंदाज में नजर आए। जड चेरला में स्कूली बच्चे राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे। बात करते करते राहुल गांधी ने दौड़ना शुरू कर दिया, बच्चे भी उनके साथ दौड़ने लगे। इसके बाद राहुल गांधी गोलापल्ली पहुंचे, वहां उन्होंने महिलाओं के साथ बथुकम्मा डांस किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब कर्नाटक में थी, तब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया शामिल हुए थे। वे राहुल गांधी के ठीक बगल में चल रहे थे, फिर अचानक राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ा और भागना शुरू कर दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। कर्नाटक के मैसूर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बारिश के बीच जनसभा को संबोधित किया था। गांधी जयंती के मौके पर जब पूरे दिन की यात्रा के बाद राहुल गांधी लोगों को संबोधित करने के लिए मंच की तरफ बढ़े तो बारिश होने लगी। इस मौके पर राहुल गांधी ने बारिश रुकने का इंतजार नहीं किया, भीगते हुए भाषण जारी रखा था और यह वीडियो राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जिसमें राहुल गांधी की काफ़ी तारीफ की गई थी। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।